Welcome all to the analysis hole. Please like, share and subscribe to the black hole for knowledge exploration. Hello students, today we will discuss about euphony. So what is euphony? Euphony refers to the quality of being pleasing to the ear, particularly through a harmonious combination of words or sounds. तो poet जो है ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या फिर ऐसी साउंड्स वाले वर्ड्स यूज़ करता है जो हमें मतलब ऐसा लगता है उन वर्ड्स में रिदम फ्लो हो रहा है और वो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लग रहा है. इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सॉफ्ट मेलोडियस एंड एग्रीबल साउंड्स. तो इसमें क्या होता है, कौन से वर्ड्स यूज़ करता है पोएट जो बहुत सॉफ्ट लगे सुनने में, मेलोडियस लगे. एंड ऑफन इन पोएट्री एंड प्रोज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ हारमोनी एंड ब्यूटी. और इससे ऐसा लगता है एक हारमोनियस फ्लो हो रहा है पूरे एटमॉस्फेयर में और चारों तरफ हमें ब्यूटी ही ब्यूटी नज़र आती है इस तरह के वर्ड्स को पढ़कर, उनको सुनकर. Writers and poets achieve euphony by selecting words with pleasing vowel sounds. तो वो कहाँ से इस तरह के words select करते हैं euphony के लिए, जो vowel वाली sounds होती हैं, जो vowels होते हैं हमारे a e i o u उनकी sounds और कुछ smooth consonants. consonants मतलब जो मतलब वॉवल्स होते हैं पांच और बाकी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं एबीसीडी में वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो उसमें से वो स्मूथ वाले कॉन्सोनेंट्स सेलेक्ट करता है पोएट. एंड अ रिदम दैट फ्लोज नेचुरली. और ऐसा लगता है इन वर्ड्स को यूज़ करके एक तरह का एक रिदम, एक जो होती है ना लय, एक ताल हमें महसूस होती है उस पोएट्री को पढ़ने में. तो अब इसके एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल फ्रेजेस लाइक द मर्मरिंग ऑफ द बीज, मतलब ये मर्मरिंग वर्ड्स जो यूज़ किया है पोएट ने, तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बीज जो है हमारे कानों में वो जो उनकी आवाज़ होती है वो हमें सुनाई दे रही है. और जेंटल ब्रीज मतलब बहुत ही शुद्ध हवा का झोंका जो होता है, इस तरह से ऐसा लग रहा है मतलब हमें फील हो रहा है अगर हम जेंटल ब्रीज बोल रहे हैं. आर कंसिडर्ड यूफोनियस बिकॉज दे प्रोड्यूस अ सॉफ्ट एंड सूदिंग ऑडिटरी इफेक्ट. वही जो अभी मैंने आपको बताया. तो ये जो वर्ड्स हैं इस तरह के, एक तरह का सॉफ्ट और सूदिंग ऑडिटरी मतलब जो हम सुनते हैं कानों में, एक तरह ऐसा इस तरह का इफेक्ट हमारे कानों में सुनाई दे रहा है इनको पढ़ के. Euphony contrasts with cacophony, which involves harsh discordant sounds. तो euphony जो है उसका मतलब एक तरह से opposite है cacophony का, क्योंकि cacophony में जो words use करता है poet वो harsh होते हैं और discordant sounds होती हैं उसकी जो हमें सुनने में छीने लगती हैं. The use of euphony enhances the aesthetic experience of language, making it more enjoyable and memorable for the reader or listener. तो इस तरह से वो लैंग्वेज हमारे लिए एक तरह से enjoyable हो जाती है जो भी इसको पढ़ता है, और हमारी मेमोरी में वो लैंग्वेज एक तरह से फिक्स हो जाती है, वो हमें समझ आती है, हमें हमारे माइंड में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है जो भी उसको पढ़ता है. So hope all of you have understood the meaning of euphony and write this short note on your notebook.